लेकिन किसी ने मारना जान लेनी मैं माड़ी समझाऊंगी कि अजे तक उसकी इनक्वायरी होनी है की कारण है क्यों मारी गोली है क्योंकि झगड़ा तो उन्हें दबदा सी मंदिर का कोई बैठे तो उस करके सी पर बंदे ने गोलियां मारी तो की कारण सी कोई तीजा बंदा गोलियां मारता ये ठीक है भी सरकार जितन भी बनी है हर रोज़ कोई ना कोई एक दिन नहीं डेली कोई दिन दसो भी गया ऐसा जिते नहीं है कदे कदे कोई लुट लिया कोई मारता कोई कर दे हर रोज़ चल गया। सत श्री अकाल सूबे के हालातों की गल करिए कल जिस तरह के नाल सुधीर सूरी की हत्या की जाती है तो उदू बाद कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि जे देखा जाए कोई भी सरकार नहीं चाहदी होंगे कि उन्होंने समय के दौरान इस तरह के कोई इंसीडेंट हो पर फिर भी की रोकी चीज़ा रोकिया जा सकदिया ने। सुखदेव ढींसा साढ़े नाल ने ढींसा साहब देखिए तुम भी सरकारों के रहे हो सरकारां ते मैक्सिमम ही एलीगेशन आ जाते हैं कि जो इस तरह का कोई इंसीडेंट होंदा पहले तो किवें देखते हो कि आखिर सुधीर सूरी की पुलिस की मौजूदगी दे विच गोलियां मार के सरेआम कतल कर देना। देखो मैं तो हर पोलीटिकल कोई ख्यालों का टकराव हो सकता लेकिन किसी ने मारना उसकी जान लेनी मैं माड़ी समझा हमेशा पर उसे बहुता कमेंट करना इस करके मुनासिब नहीं है क्योंकि अजे तक उसकी इनक्वायरी होनी है की कारण है क्यों मारी गोलियां क्योंकि झगड़ा तो उन्हें दबदा सी मंदिर का कोई बैठे तो उस करके सी पर बंदे ने गोलियां मारी तो की कारण सी कोई तीजा बंदा गोलियां मारता वो तो हम इनक्वायरी तो बाद ही पता लगेगा। हाँ ये ठीक है भी सरकार जिदन की बनी है हर रोज़ कोई ना कोई कतल होंगे एक दिन नहीं डेली कोई दिन दसो भी गया ऐसा जिते नहीं है कदे कदे कोई लुट लिया कोई मारता कोई कर लिया हर रोज़ चल जाए और सीएम साहब बाहर रहते हैं ज़्यादा पर इहदे च इक चीज़ ये समझिए कि किसी भी सरकार नूं ये हुंदा है कि आखिरकार उन्होंने समय के दौरान किसी तरह का कोई इंसीडेंट ना हो पर आम तौर पर जो देखिए क्योंकि तुसी खुद सरकारां दा हिस्सा रहे हो इहदे ते सीरीयसनैस किन्नी क ज़्यादा चाहिए है कि जेकर जिवें तुसी कहा कि पिछले दिनों दे विच भी कई घटनावां सामने आ गईयां कल्ली सूरी की गल नहीं हैगी गल आ जांदी है टोटली सूबे की सिचुएशन नूं लैके समझदे हो कि कोई स्टैप एक्शन इस तरह के चके जाने चाहिए सीगे क्योंकि सरकार दे हत्थ तां सारा कुछ हुंदा। देखो सरकार की जिम्मेवारी सरकार की हुंदी है ला एंड ऑर्डर दी उन्हों ठीक रखना अमन अमान रखना वो सरकार की जिम्मेवारी है अगे उन्हें फैसला करना भी किस तरह करना है। मैं समझदा कि उन्हां दी बहुता कोई तालमेल नहीं है आपस ते केजरीवाल वालों हुक्म आउंदा वो इंप्लीमेंट करते हैं उहदे च इंप्लीमेंट हुंदे नहीं सारा इस करके मेरा ख्याल है मैं बहुता तो नहीं कहना किसी बारे कमेंट करना तो लगता भी उन्होंने कोआर्डीनेशन उस तरह की नहीं है जिनी होनी चाहिए है क्योंकि केजरीवाल से ही सारा कुछ चल रहा है। पर आम तौर पर भी चीज़ा मुनासिब होंदिया ने गियाँ क्योंकि सूबे के जो सियासी गल्ला करते हैं तो वो कई लोग ने जोड़े आम तौर पर चिंतक कह लो एक्सपर्ट कह लो जी कि हरेक विश्लेषण करते हैं गे आम तौर पर जिहड़ियां घटनावां हुण पंजाब चल रही ने गियाँ चाहे गल अमृतपाल की भाषण की होवे चाहे आ मर्डर की गल होवे चाहे कई होर विवाद उठते हैं कहिंदे ने सेंटर एजेंसियां लगिया रहिंदियां ने कम्मां दे विच एजेंसियां दे हत्थ किन्ने क हुंदे ने जी। देखो कह नहीं सकदा मैं लोकां च ये आपां नूं यही है ना कि कोई ना कोई होना जरूर मैं नहीं कह सकदा इस बारे कोई मेरा कोई कमेंट करना जिन्ना चिर कोई सबूत ना मिले मैं कदे कोई गलत कम नहीं कीते गलत गल नहीं कही कदे। पर ट्रेंडर साहब जिवें हुण देखदे आंगे कि आम तौर ते हुण पुलिस उत्थे खड़ी है पुलिस का कहने होंगे ने भी जोड़े आम लोग ने उन्हें उन्होंने सुरक्षित महसूस होना चाहिए तो अपराधियों से डर होना चाहिए पुलिस की मौजूदगी दे कि समझते भी हौसले बुलंद होने क्रिमिनल दे कि आखिरकार वो डरे ही नहीं है कि एक अफसर लेवल के बंदे भी खड़े ने कल्ले कोई कॉन्स्टेबल जा उत्थे एएसआई नहीं सीगे नहीं इस तों अलावा भी एक आपदे भी गनमैन सीगे ऑफिसर भी खड़े सीगे तो दुख तो यही है फिर उन्होंने सरकार को चाहिए ना कि उस तरह जे सरकार का कम ढिला है ता ही अफसर ने कुछ नहीं किया ना ताही पुलिस चुप करके बैठी रही। तो ये जिवें हुण इदों पहलां सिद्धू मूसेवाला इंसीडेंट होया तो कल भी जिवें सुजिंदर रंधावा भी गल करदे नज़र आए वो कहिंदे भी आखिर जदों कईआं दे पहलां इनपुट हुंदे ने गवर्नमेंट नूं उहदे हिसाब दे नाल स्टैप अगे वधना चाहीदा पर इस तरह दे विच जिवें डी जी पी ने कल रात कहा प्रैस कॉन्फ्रेंस कहिंदे उह अजे पता करनगे भी इनपुट सी है नहीं कहिंदे इह भी पुलिस दी ढिल्ली कारगुजारी दिखाउंदा जे पुलिस नूं इनपुट दा ही नहीं पता तां आखिरकार की कारवाई करूगी। देखो ये ज्यादती जिहड़ी पुलिस दी तां हैगी है कि उत्थे जिहड़े खड़े सीगे
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਿੰਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੀ RSS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ BJP ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ BJP ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ RSS ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ SSP ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਤੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੀ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ BJP ਜਾਂ RSS ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ BJP ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 4-5 SGP ਦੇ ਮੈਂਬਰ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣਗੀ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੂਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਮਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।